हेलो दोस्तों, देखिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने परिवार में मोहित गोयल मैथ्स के क्लासेस में। देखिए आज का ये ऑनलाइन सेशन हमने लिया है, स्पेशली लाइव सेशन। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए शुक्रिया इस बात के लिए कि देखिए एक हफ्ते के अंदर 2000 से ज़्यादा बच्चों ने एनरोलमेंट किया, तो देखिए आपका ये विश्वास मैं हमेशा कायम रखूँगा और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का लाइव सेशन भी लिया गया। सबसे पहले देखिए जो दिक्कत आप लोगों को आ रही है, कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। आज सभी विषयों पे बात करेंगे धीरे धीरे करके, और जिन बच्चों ने देखिए पहली तारीख में एडमिशन लिया, किसी ने दूसरी में एडमिशन लिया, आप जिस भी दिन एडमिशन लेंगे उसी दिन से आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी, उसी दिन से आपका फ्रेश बैच स्टार्ट होगा। और जिस दिन से आपके फ्रेश बैच स्टार्ट होगा आपको ये मान के चलना है तभी से आपका कोर्स स्टार्ट है। इसके अंदर मैंने कुछ एक डेमो वीडियोस आपके लिए डाल रखी हैं, जैसे कि डिजिटल सम की वीडियोस हैं, रेशियो की वीडियोस हैं कुछ, और कुछ एलजेब्रा की भी है। एलजेब्रा की इसलिए डाली गई है जिससे कि आपको थोड़ा एडवांस का भी एहसास हो कि भाई एडवांस मैं किस किस वेराइटी पे रखूँगा। बाकी उस चीज़ को हम डिटेल में आगे जाएंगे। अभी हमने ये देखा कि भाई सबसे पहले आपको पढ़ना किस तरीके से है। सबसे पहले आपको डिजिटल सम की क्लासेस पढ़नी है, जो तीन क्लासेज हैं उसके अंदर। उसके बाद आपको रेशियो की क्लासेस पढ़नी है। रेशियो की क्लासेस आप देखते हैं चार क्लासेस उसके अंदर है। पांचवी क्लास उस दिन डाली जाती है जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है? मतलब जिस भी दिन आपने एडमिशन लिया है उस भी दिन आपकी पांचवी क्लास आएगी, फिर छठी क्लास आएगी, फिर सातवीं क्लास आएगी। इस तरीके से क्लासेस आगे जाती रहेंगी। थोड़ा और बता देता हूँ, इसके अलावा देखिए वेबसाइट के अंदर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के अंदर जैसे ही क्लासेस व्यू करते हैं, उसी के नीचे एक कॉलम बना हुआ है अर्थमेटिक का, उसी के नीचे एडवांस का, और उसी के नीचे लाइव सेशंस का। लाइव सेशंस के अंदर प्ले का बटन दबाएंगे तो आप डायरेक्ट लाइव बात कर पाएंगे, डायरेक्ट लाइव सेशन में आ जाएंगे। और उसी लाइव सेशन के अंदर आप देखेंगे लाइव डाउट सेशन लिखा है जिसके अंदर, उसके नीचे एक मैंने PDF फाइल अपलोड करी है जो कि एक इंस्पेक्टर 40 करके है। यानी देखिए एक इंस्पेक्टर 40 करके PDF होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैलकुलेशन के लिए बहुत मस्ट है। जो आज का सेशन है, आज के सेशन में बेसिकली मैं उसी चीज पे बात करूंगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने सपने देखे हैं पेन फ्री हैबिट के, आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम पेन फ्री करें, हम केवल क्वेश्चन देख ऑप्शन देख के आंसर मार्क करें। जब बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है उसके लिए मेहनत बहुत सारी लगती है, और वो मेहनत सारी मैं आपको कराऊंगा, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। बस आपके अंदर एक विल पावर ये होना चाहिए कि आपको मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है? फिलहाल अभी पहले आप ये कर सकते हैं कि भाई वीडियो पॉज करके आप इंस्पेक्टर 40 डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्पेक्टर 40 आप अगर डाउनलोड करेंगे उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, यानी जो बेसिक कैलकुलेशन है। देखिए एक मेन दिक्कत पता है क्या आती है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं एक इंस्पेक्टर ही हूँ वैसे आपको पता है, ठीक है? पर आप में से काफ़ी सारे बच्चे ना ये जानते हैं कि भाई हमें सर की तरह स्पीड बनानी है। सर जैसे YouTube पे वीडियोस डालते हैं, आपने देखा कि अभी वीडियो आई प्रॉफिट लॉस की, रेशियो की, प्रॉफिट लॉस की जो वीडियो आई उसमें मैंने पेन तक इस्तेमाल नहीं किया, मैंने केवल इशारों से पूरी वीडियो को समझाया। और ये तो बिल्कुल 1% ही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि आगे की क्लासेस में आपकी पेन फ्री की हैबिट कैसे बिल्ट होगी। तो देखिए मेन जो चीज़ होती है ना वो आपका कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझना है, और कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं उसके बाद चीज़ आती है एग्जीक्यूशन पे। यानी आप में से काफ़ी बच्चों ने जैसे प्रीवियस वीडियो देखी उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि भाई कैसे हमने क्या करा, बोर्ड सामने है, केवल मैंने बोला ये हो गया ये हो गया ये हो गया और इसी के हिसाब से आपका आंसर आ गया। तो यही चीज़ आपने क्लास में भी ऑब्जर्व करी होगी, जो मैंने क्लासेस डाल रहा हूँ डेली बेसिस पर। डेली आपको एक क्लास मिल रही है, वो आपको लगातार नोट्स बनाने हैं उसी के, और वो क्लास आप 8 तक 8,00,000 बार देख सकते हैं। आप जितनी मर्जी बार देखिए, एक बार अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए उसे। देखिए मेन बात यह है कि जो आप आए हैं ना मेरे से पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है? आप केवल पढ़ने के लिए आए हैं, आप इसलिए नहीं आए हैं कि भाई वीडियो देखी जानी है, बार बार देखना ही देखना है, देखना ही देखना है।
एक बार मैंने समझ लिया, मैंने नोट्स बना लिए, काम खत्म, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके चीजों को समझना है। आज मैं शुरुआत करूंगा इंस्पेक्टर चालीसा की। इंस्पेक्टर चालीसा यानी एक मेरी खुद की बनाई हुई छोटी सी बुक है, ठीक है, जो आपको पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अंदर देखिए, बचपन से हम क्या करते हैं, हर चीज के लिए ना हमें एक आदत है, हमें लिखने की आदत है, हम हर चीज के अंदर लिखते हैं, जो भी पढ़ा लिखा, जो भी पढ़ा लिखा। पर हम में से कई बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हमारी पेन फ्री हैबिट हो जाए, आंसर जल्दी आ जाए। देखिए, बना तो सभी रहे हैं, मेन बात यह है कि आप दूसरे से अलग कैसे हैं। उसी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये स्टार्ट किया गया है कि आपको ये ट्रेनिंग दी जा सके कि आप दूसरे से अलग कैसे बन सकते हैं। केवल घर बैठे बैठे आप अलग बन सकते हैं, पर मेन बात यह है आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, आपको एक कोशिश करनी है, कोशिश करनी है उसी तरीके से जैसे मैं आपको बताऊंगा। आज मैं इंस्पेक्टर चालीसा की शुरुआत करूंगा। इंस्पेक्टर चालीसा में हम सबसे पहले बेसिक एडिशन पे काम करेंगे। आज आपको पेन कॉपी लेके कुछ भी लेके नहीं बैठना है, केवल और केवल वीडियो को सामने देखना है और हाथ पे हाथ रख के बैठना है और स्क्रीन पे देखना है, और जब मैं बोलूंगा आपको, आपको उन चीज़ों का जवाब देना है। मेन बात यह है कि आपको अपना ब्रेन यूज करना है। मैं सिखाऊंगा आपको, देखिए आप अगर सीखने के इच्छुक हैं तो मैं आपको इंस्पेक्टर 200% बना सकता हूँ, ठीक है, पर मेन बात होनी चाहिए कि आपके अंदर ये विल पावर है कि भाई सर ने अगर ये सपने दिखाए हैं कि भाई पेन फ्री करना है, डीएस सिखा रहे हैं सर, एमजी कॉन्सेप्ट और भी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ सीखनी ही सीखनी है। चीज़ें बहुत हल्की हैं, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास के अंदर पहले मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कि इंस्पेक्टर चालीसा में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर मैं आपके जवाब मांगूंगा, आपके कमेंट पढ़ूंगा, और मैं चाहता हूं कि लगभग हर बच्चा कमेंट करे, और कमेंट इसलिए करे कि उसको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहे। देखिए पेपर में जब हम जाते हैं ना, मेन बात जहाँ आती है वो इसी चीज़ पे आती है। देखिए जैसे मेरे सामने स्क्रीन है, क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर और मेरे को जवाब देना है, मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पे देखा, फिर मैंने नीचे फेस करके लिखा, फिर स्क्रीन पे देखा, फिर लिखा, फिर स्क्रीन पे देखा, फिर लिखा। तो अगर मैं देखता हूँ एक क्वेश्चन के अंदर ही मैं 3-4 बार तो ऊपर नीचे देख ही लेता हूँ, तो क्यों ना आज से मैं एक ऐसी आदत शुरू करूँ कि भाई मैं स्क्रीन पे देखे देखे क्वेश्चन को दिमाग में करूँ और आंसर निकालूँ। तो इसी चीज़ के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है कि आप डायरेक्ट देखें और देख के आंसर निकाल सकें। आज ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए जो पीडीएफ है इंस्पेक्टर चालीसा की, ठीक है, इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, केवल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डेसिमल ऑप्शन से आंसर कैसे देखना है, ये सब चीज़ें हैं। ये एक ऐसी मिनी बुक है जिसे आपको डेली बेसिस पे आधा घंटा प्रैक्टिस करना है। मैं ये चाहता हूँ मेरा हर स्टूडेंट फॉरन के स्टूडेंट्स को कम्पीट कर सके इन द फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग एबिलिटी और कैलकुलेटिंग एबिलिटी, कि उसकी कैलकुलेशन की पावर इतनी अच्छी हो कि वो दिमाग में करके सीधा आंसर मार्क कर पाए। और ये केवल तभी संभव है जब आपने रूट लेवल पे काम किया होगा, यानी उस चीज़ के लिए आपने पहले होमवर्क किया होगा। आज देखिए मैं बताया था आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखते हैं बेसिक कैलकुलेशन में जो चीज़ आती है वो आता है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिविज़न, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ की आदत डालूंगा कि पहले आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब चीज़ पेन फ्री किस तरीके से करनी है, किस तरीके से अंदाज़ा लगाना है। इसके लिए आज हम पहले एडिशन से शुरुआत करेंगे। देखिए आज की पूरी क्लास के लिए तैयार रहिए, क्योंकि देखिए जब समय आया है पढ़ने का, कुछ करने का, 5 महीने की बात है, 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपको दोबारा से मुड़ के कभी नहीं देखना पड़ेगा। पर काम करिए जैसे मैं बता रहा हूँ, आप सारी चीज़ों को समझिए। देखिए सबसे पहले मैंने बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके बाद मैं गया टॉपिक्स पे, जैसे रेशियो ही मान लेते हैं, रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI, ठीक है। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है और चीज़ों का फ़ायदा क्या है। आपने देखा मुझे ये सब चीज़ें तो पता ही हैं, मैं आपको सारी चीज़ पढ़ाऊँगा ही क्लास में, DS MG कॉन्सेप्ट अप्रॉक्सीमेशन लास्ट डिजिट रिमाइंडर थ्योरम डेसिमल
ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए साथ के साथ। देखिए साथ के साथ हमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि अगर मैं इन चीजों से हट के पढ़ना चाहता हूं, मतलब मान लिया ये चीज तो है ही मेरे पास, पर क्या ऐसा भी कुछ है कि मेरी कैलकुलेटिंग एबिलिटी अच्छी हो जाए। जैसे कि आपने देखा पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा, फिर यहां से जाएंगे हम यहां पर, यहां से आपको सिखाया जाएगा स्टेप स्किपिंग कि भाई स्टेप आपको स्किप किस तरीके से करने, कि जहां 5 स्टेप का यूज हो रहा है वहां 5 स्टेप ना यूज करके हम 4 स्टेप यूज करें, 3 स्टेप यूज करें, 2 स्टेप यूज करें। उसके बाद अब देखिए डायरेक्ट आपको यहां ज्योमेट्री मेंसुरेशन पे नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि डायरेक्ट यहां ले जाने के लिए बच्चे के पास ये एबिलिटीज होनी जरूरी है। अगर मैं उसको इस चीज में विजुअलाइज कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बच्चा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिमाग में बनाए, वो एल्टीट्यूड बना दे, इतने सेंटीमीटर का बेस हो गया, इतने सेंटीमीटर का हाइपोटेन्यूज इतना हो गया, मीडियन इतना डाला, ये वैल्यू ये होती है, तो ये वैल्यू ये आ गई। पर ये वैल्यू बच्चा तभी समझ सकता है जब बच्चा शुरुआत से इस चीज को समझा हो कि पहले उसे ये चीज समझ आनी चाहिए, फिर वो रेशियो के अंदर वो बोलता है कि ये अनुपात ये हो गया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, ये आ गया, इसकी वैल्यू ये हो गई, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। जब वो ये समझेगा तब जाके वो ये समझ पाएगा और फिर वो ज्योमेट्री मेंसुरेशन पे जा पाएगा। तो इसी के लिए आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, धीरे धीरे करके सभी लाइव सेशंस में मैं आता रहूँगा और आपको ये सारी चीज़ें समझाता रहूँगा। आपको बस मेरे साथ रहना है, सारी चीज़ें साथ रह के समझनी है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास में बेसिक कैलकुलेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले जो आपकी इंस्पेक्टर 40 बुक है PDF, उसके अंदर आप ये सारे क्वेश्चंस पाएंगे और विद सॉल्यूशंस पाएंगे, ठीक है। अभी आपको कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है। कमेंट करने के देखिए आप, हम यहाँ कमेंट करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, ठीक है। तो आपको अभी कमेंट नहीं करना है, जब मैं बोलूँगा आपको कमेंट करना है तब आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। देखिए बचपन से हम बहुत बच्चे एडिशन पढ़ते आए हैं, एडिशन में स्टार्ट करता हूँ एक संख्या का एक संख्या के साथ। अब देखिए ये आपके सामने लिखा है, अब मैं ये चाहता हूं मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा कि भाई ये कितना आएगा, आपको कमेंट करना है कि सर ये आएगा, ठीक है। और आज की पूरी क्लास में आपको केवल ब्रेन चलाना है, स्क्रीन देखनी है और अब कमेंट करना है जब मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है। और जिस चीज पे मैं हाथ लगाऊंगा आपको कमेंट उसके बारे में करना है, ठीक है। कमेंट मैं आपके हाथ के हाथ देख रहा हूं, देखिए इसलिए आपको एक एक करके बताना पड़ेगा अभी से। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अगर आपसे देखता हूं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, अगर मैं एक डिजिट को एक डिजिट में जोड़ता हूं तो देखिए सबसे आसान काम होता है दुनिया का, एक संख्या को एक संख्या में जोड़ना, ठीक है। तो एक संख्या को एक संख्या में जोड़ेंगे, फिर दो संख्या में एक संख्या को जोड़ेंगे, फिर दो संख्या में दो को जोड़ेंगे, दो में तीन को जोड़ेंगे, तीन में चार को जोड़ेंगे, इस तरीके से बिना लिखे काम करेंगे। लिखना नहीं है, केवल आपको देखना है, ठीक है। अब एक एक करके आप कमेंट करेंगे, सबसे पहले मेरे को ये बताइए ये कितना आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ देखिए 15 आएगा। देखिए एक्टिव रहना है बिल्कुल, आपको सभी को कमेंट करना है, क्योंकि देखिए जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, आपको वो माहौल नहीं मिल पाएगा जो चीज़ इस चीज़ को डिमांड कर रही है पेन फ्री की। हाँ देखिए 15 आएगा, 7 और 8 15 हो गया, ये वाला बताइए। जल्दी जल्दी बताना है, हाँ 18 आएगा।
ये देखिए 14 आ जाएगा। अब मैं पूछता हूँ ये कितना आएगा, सिक्सटीन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो बिल्कुल छोटी सी बात हो गई। देखिए आप में से भी ना काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पहली क्लास में ये क्यों पढ़ा रहे हैं, पर जब आखिरी क्लास होगी ना तब आप समझ जाएंगे कि सर ने पहली क्लास में ये क्यों पढ़ाया था, और इन सब चीज़ों का रीज़न आपको मिलेगा आने वाले सेशंस के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए मैं आगे देखता हूँ, अभी हो गए एक संख्या को एक संख्या में जोड़ना। अगर मैं लिख लेता हूँ ये मैंने लिख दिया है, लिखना आपको कुछ भी नहीं है, कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं लिखेगा। देखिए ये वीडियो लाइव होने के बाद भी जो बच्चे आज नहीं आ पाए हैं अभी तक, उनके लिए रहेगा पैनल के अंदर ही, उसके दोबारा से पॉज कर करके देखिए जितना ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए हम टू डिजिट में टू डिजिट का एडिशन कर रहे हैं। अगर मैं टू डिजिट में टू डिजिट का एडिशन करता हूँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेरा कहता है वो ये है कि मैं इकाई वाली संख्या अलग से जोड़ूंगा और ढाई वाली संख्या अलग से जोड़ूंगा। अगर मैं देखता हूँ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपके सामने, जैसे कि आपको आप देखिए इसके अंदर भी इंडिविजुअली कमेंट करना है। अगर मैं देखता हूँ एक नंबर है मेरे पास 29 + 81, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़। आज की क्लास आज का सेशन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, पर मेन बात यह है कि आप एक्टिव इन्वॉल्व रहें एक्टिवली। 2 9 8 1, 2 8 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया। 2 और 8 10 का मतलब 100, एक जीरो लगाना है, 9 और 1 10 का मतलब 10, तो 100 और 10 हो गया 110, 110। तो बेसिकली मेरे को इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है और इसको आंसर मार्क करना है। ये सारे बोर्ड पे जो मैंने लिखे एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, आपको सबको जवाब देना है। और मेन बात यह है कि आपको जवाब जब देना है, जब मैं पूछूंगा कि भाई इसका जवाब क्या होगा। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ये हो गया 6 और 1 7, 70 और 13, 70 और 13 होता है 83, तो ये 83 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए आगे देखिए, अब मैं एक एक करके आता हूँ। अगर मैं देखता हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब आपको इन्वॉल्व होना है एक एक करके सभी बच्चों को। देखिए सभी बच्चे एक एक करके इन्वॉल्व होंगे और सभी रिप्लाई करेंगे इसी चीज़ का। अगर मैं देखता हूँ ये कितना हो गया, सारे बताइए, देखिए देखिए जल्दी बताना है आपको, इतना टाइम नहीं है। हाँ 154, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है कि दूसरे का देख के कमेंट नहीं करना है, आप अपना दिमाग लगाइए और ईमानदारी से कमेंट करिए, क्योंकि ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ 154 आएगा, देखिए 6 और 8 14, 140, 140 और 14, 154, क्योंकि 140 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा और उसी में 4 जोड़ूंगा तो 154 हो जाएगा। अगर मैं धीरे धीरे देखता हूँ, इसी को मैं फास्ट देखता हूँ, 8 और 6 14, 140, 140 14, 154, तो इस चीज़ को मेरे को डायरेक्ट देखना है, 154 आ गया। अब मैं अगला पूछता हूँ ये वाला, ये बताइए क्या आएगा, सभी कमेंट करेंगे। देखिए वेरी गुड, हाँ 134 आएगा। देखिए ईमानदार रहना है, मैं डेफिनेट बोल रहा हूं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आपको वैसे वैसे करते जाना है।
देखिए अगर हमने सपने अच्छे देखे हैं आगे पेन फ्री करने के, तो ये चीज़ तो हमारी बिल्कुल माइंड में सीधा आनी चाहिए। अब मैं देखता हूँ, देखिए 6 और 6 12, 12 का मतलब 120 हो गया, 120 के अंदर 7 और 7 14, 14 का मतलब 120 और 10 130, 130 और 4 134। लिखना नहीं है मैंने, केवल डायरेक्ट आंसर मार्क करना है। अब मैं इसे जल्दी से बोलता हूँ, 6 6 12, 120 और 14 134, 134 मेरा आंसर हो गया। देखिए धीरे धीरे करके आगे तक जाएंगे। अब अगला बताना है आपको, ये बताइए कितना आएगा। जल्दी जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं है, देखिए जल्दी जल्दी करना है आपको। 37 एंड 84, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए 121 आएगा, 8 और 3 11 यानी 110 और 11 121, 121 आंसर हो जाएगा। आगे देखता हूँ मैं, ये बताइए जल्दी से, तुरंत करना। देखिए माइंड को आदत डालनी है कि वो तुरंत रिस्पॉन्स करे। आज तो वो प्लस कर रहा है, अभी देखिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे होंगी, केवल आपका माइंड ही करेगा, कुछ चेंज नहीं है, केवल आपने आदत नहीं डाली हुई है। ये बताइए जल्दी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जितना एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ देखिए आपके साथ, आपको एक एक चीज़ सिखाने की, तो आपको भी सभी चीज़ सीखनी होंगी। 89 आएगा, ज़्यादा बड़ा गणित नहीं लगाना है, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 89 हो गया जी, ख़त्म। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, ये कितना आ गया बताइए। देखते ही कमेंट करना है बिल्कुल। बहुत अच्छे प्रशांत, अमित, भावेश, उत्पल, सभी बच्चों ने अच्छा जवाब दिया। देखिए मैं नाम भी लूंगा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये काम देखिए हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं ये। आइए देखते हैं, 7 और 2 9, 90, 90 और 16 यानी 106। देखिए मेन बात पता है क्या है, अब मेन बात देखिए क्या है कि अगर आप क्वेश्चन, तो आपको कोई भी करा देगा, कोई भी कॉन्सेप्ट समझा दे, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, और ये भी समझाऊंगा चीज़ों में परफॉर्मर कैसे बनना है, केवल स्क्रीन पे देख के आंसर कैसे करना है, आदत यहाँ से डाली जाएगी। आज बिल्कुल बेसिक सेशन चल रहा है, बहुत फायदेमंद सेशन है। जब आप इंस्पेक्टर 40 डेली करेंगे तब आपको बहुत बढ़िया लगेगा। ये बताइए जल्दी कितना आएगा। जल्दी जल्दी जवाब देना है, 56 प्लस 88। शैलेश कुमार वेरी गुड, प्रशांत जी बिल्कुल बढ़िया, पावेश बहुत अच्छे, 144 144 वेरी गुड वेरी गुड। देखिए सीधा सीधा है, 8 और 5 13, 8 और 6 14, 13 यानी 130, 130 में मैं 14 जोड़ूंगा, 130 प्लस 10 140 और 4 144। अगला देखते हैं, ये बताइए 94 प्लस 25, नाइन्टी फोर प्लस 25, 119, 119, 144, 144 पिछला था भाई, 119, 119, 119, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ देखिए 119 आंसर हो जाएगा,
ठीक है, 9 और 2 11, 5 और 4 9, 110 और 9 119, ठीक है। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि दो डिजिट के साथ दो डिजिट इस तरीके से ऐड होंगी, इंस्पेक्टर 40 आपके पास है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो आपको इसी तरीके से करने हैं। घर में ईमानदारी के साथ, देखिए जो इंसान खुद के साथ ईमानदार नहीं है वो किसी के साथ भी ईमानदार नहीं हो सकता। आप अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कोशिश ये करें कि भाई ये चीज़ें हम बिल्कुल टिप्स पे करें। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट चीज मैं देखता हूँ। देखिए मैंने आपके सामने 4 नंबर लिखे हैं ये, ठीक है। अब हमारे ब्रेन को थोड़ी सी ये आदत हो गई कि भाई एक के साथ वो एक संख्या जोड़ सकता है, दो के साथ दो संख्या जोड़ सकता है। अब देखिए ये आदत मेरे अंदर कहाँ से आई, मैं कभी भी, पता है आपको एक सच बात बताऊं, जब मैं बेसिक अपनी लाइफ में स्टडी करता था, मैंने ज़्यादातर ट्रैवलिंग अपनी बसों में करी है, मेन जो ट्रैवलिंग करी है अपनी लाइफ की, मैंने 99% जर्नी DTC बस या प्राइवेट बसेस में ट्रैवल करी है, और मैं एक चीज़ पे फोकस रखता था। देखिए मुझे पता है कि जब सिलेक्शन मुझे लेना है मेरी ब्रेन की एबिलिटी शार्प होनी चाहिए एकदम शार्प। के लिए कई बार ऐसा होता था कोई गाड़ी जा रही है उसका नंबर ऐड करना शुरू कर देते थे, हमने देखा कि किसी बोर्ड पे कोई फ़ोन नंबर लिखा है उसे ऐड करना शुरू कर दिया, हमने ये देखा कि भाई कोई फ़ोन नंबर अगर लिखा है उसके वो क्या वो 9 से भाग हो रहा है, क्या वो 3 से भाग हो रहा है, क्या वो 11 से भाग हो रहा है, यही हम गाड़ी के नंबर के लिए चेक करते थे। तो ऐसा हमें किसी ने बोला नहीं था। ये इंस्पेक्टर 40 अभी जो मैंने बनाई है ये भी आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि भाई आप ये चीज़ सीख सकें, आपका माइंड जो है वो नंबर को एकदम अडेप्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कैलकुलेशन दे दी गई है, आप पहले वो पेपर में लिखे ही जा रहे हैं और फिर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे देखिए पहले से, इससे इसका आपको जवाब देना है सभी को, बताइए क्या आएगा। जल्दी से जवाब दीजिए, देखिए बताइए क्या आएगा। देखिए जो डाउनलोड नहीं हो रहा है वो बाद में हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, फिलहाल क्लास का टाइम है, क्लास पे फोकस करेंगे हम। हाँ सेशन डल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सेशन आपके पास ही रहेगा, फिलहाल फोकस करिए जो लिखा है उसे दिमाग से कैलकुलेट करने का। देखिए नोट्स बन जाएंगे, सेशन डल जाएगा, सब चीज़ हो जाएगी मेरे भाई, जब तक दिमाग वाला काम लेकिन कोई नहीं करा पाएगा। मैं आपके साथ बैठा हूँ, बैठ के लाइव करा रहा हूँ आप लोगों को कि भाई आप करिए, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं भी करूँगा साथ में। देखिए अगर मैं जोड़ता हूँ, अब देखिए तरीका क्या क्या हो सकता है, मैं इंडिविजुअली करके जोड़ूं, जैसे कि देखिए मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, 27 और 4 31, 31 और 2 33, एक हो गया मैंने स्टार्टिंग में करा, मैंने इस तरीके से बोल दिया। दूसरा मैं देखता हूं 9 और 8 17 7 24 30, 27 4 31 2 33, मैंने इस तरीके से बोला। अब मैं तीसरा देखता हूँ और मैं नंबर नहीं बोल रहा, 24 27 31 33, तो देखिए फ़र्क है अलग अलग बच्चे का, एक बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है वो 9 और 8 17 और 7 24 और 3 27 4 31 2 33, कोई नहीं भाई स्टार्टिंग है, आपने कोशिश तो करी बहुत बढ़िया बात है। आगे कोई बच्चा बड़ा वो अब वो सीख गया, अब वो ये कर रहा है कि 9 8 17 7 24 30 27 4 31 2 33, स्पीड बढ़ गई उसकी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या हो सकता है,
उसके बाद ये हो सकता है, देखिए 17, 24, 27, 31, 33 आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले पर। अब देखिए इसका आंसर देना है आपको, इसका आंसर दीजिए। इसका जवाब देना है, देखिए जल्दी से दीजिए। बहुत अच्छे। हाँ देखिए, अब देखते हैं इसी को ही। देखिए ऐसी कोशिश है जो आप घर पे बैठ के ना आराम से ही कर सकते हैं। घर पे बैठ के आप बैठे हैं, देखिए आप इतनी सारा टाइम वैसे मोबाइल पे भी वेस्ट करते हैं, क्यों ना हम अपने दिमाग के लिए कुछ करें जिससे हमारे दिमाग की कैलकुलेशन स्पीड बेटर हो। जैसे आपने अभी मेरी परसों वाली क्लास देखी यूट्यूब पे प्रॉफिट एंड लॉस की, मैंने बोला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो ये जो हुआ है ना वो यहाँ से हुआ है, पहले मैंने यहाँ पर काम किया है फिर जाके मैं वहाँ पहुँचाऊँगा। अब आप देखते हैं इसे डायरेक्ट। अब देखिए मैं डायरेक्ट ही देखता हूँ, अगर एक बच्चा देख रहा है 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 15, 21, 29, 36, 45, 46, 46, 54, 56, ठीक है 56, एक बच्चा डायरेक्ट ही देख रहा है 3, 6, 10, 15, 21, 29, 36, 39, 46, 54, 56, 56 हो गया, 56 आपका आंसर आ गया। ठीक है अब मैं इस पे जाता हूँ, ये बताइए कितना आएगा। केवल स्क्रीन पे देखना है, देखिए ईमानदारी के साथ बिल्कुल। देखिए इंस्पेक्टर 40 में पूरा यही दिया गया है आपको, एक्सरसाइज दी गई है इस पे बेस, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे का दिमाग विकसित कैसे होगा, वो कैलकुलेशन करने की उसकी एबिलिटी अच्छी है नहीं, मैं उसे ट्रिक पे ट्रिक सिखाए जा रहा हूँ, वो लगातार पेन का उपयोग करे जा रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे वो चीज़ सिखाई नहीं गई जो बेस है। बेस यहाँ से है, बेस हमारे माइंड में है, जब तक ब्रेन परफॉर्म नहीं करेगा एक्शन नहीं हो सकता क्विक। देखिए काफ़ी बच्चों ने आंसर कर दिया है 102, 94, 91। आइए अब देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। अगर मैं देखता हूं, मैं डायरेक्ट ही देखता हूं, देखिए होना पता है इस तरीके से चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए 3, 7, 13, 20, 28, 37, 45, 52, 56, 64, 66, 67, 73, 80, 88, 97, 98, 102 एक सांस में बिल्कुल। बहुत अच्छा लगेगा खुद को ही, क्योंकि यहाँ हमारा ब्रेन परफॉर्म कर रहा है, आप अपनी इंडिविजुअल वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कहीं भी बैठेंगे आपको पता लग जाएगा कि हाँ कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, हमारा ब्रेन क्या क्या कर सकता है, और यहीं से थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए 3, 7 आराम आराम से देख लेते हैं 3, 7, 13, 20, 28, 37, 45, 52, 56, 64, 66, 67, 73, 80, 88, 97, 102, 102 हो गया, यानी 102 आपका आंसर आ गया। ठीक है आगे लिखिए, देखिए इस वाले को देखते हैं। अब इस वाले को देखिए, देखिए मैं गारंटीड बात कह रहा हूँ, ये चीज़ आपने कभी प्रैक्टिस करी ही नहीं होगी, और आप क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप केवल ये चाहते हैं कि कोचिंग मिले, क्वेश्चन मिल जाए, ट्रिक मिल जाए और हम उसे लगाते रहें। अरे परफॉर्मर बनिए भाई, पहले सोचना तो सीखिए, पहले ब्रेन में कैलकुलेशन तो कराइए।
ये पूरा कैलकुलेट करना है इसे, 3, 7, 13, 20, 22, 23, 37, 38, 44, 46, 45, 64, 66, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 92, 84, 91, 97, 104, 121 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, 1 और 2, 3, 7, 13, 20, 22, 23, 37, 38, 44, 46, 45, 64, 77, 75, 76, 79, 82, 86, 91, 97, 104, 111। 121 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी सही आंसर दिया है बहुत बढ़िया है। देखिए, मेन बात यह है कि आपने अपने दिमाग को काम करा है। ये चीज़ें ऐसी नहीं है, इसके लिए आप लिखेंगे, ठीक है, और इससे ये हुआ जो दिमाग हमारा 24-25 साल से जंग लगा हुआ है, जो लगातार लिखा जा रहा है, तो लिखने वाला पार्ट हटेगा हमारा, धीरे धीरे करके हटेगा। देखिए, अगर किसी चीज़ की कल्पना हमने करी है, आप देख तो रहे हैं कि सर वीडियो में ये कर रहे हैं और आंसर बता रहे हैं, तो उसके लिए काम भी तो क्या होगा, ये सारा काम वही है। अब देखिए, ये तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, अब इसी को आप इस तरीके से भी पूछ सकता है। देखिए, मैं आपको परफॉर्मर बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, पर जैसे ऐसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करते रहना है। अगर मैं देखता हूं, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए। देखिए, एक एक करके सारे कैलकुलेट करेंगे, कोशिश करिए आप दिमाग में करने की, और जल्दी आंसर आए तो बहुत बढ़िया है। इंस्पेक्टर चालीसा आपको डेली देखिए, जैसे हनुमान चालीसा होती है ना, हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, ठीक है, मन को शांति मिलती है, इससे आपका ब्रेन एक्सपर्ट होगा। ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर फास्ट होगा। इस चीज़ का असर आप केवल 15 दिन में देखना, 15 दिन वो करिए इंस्पेक्टर चालीसा, आपको ये लगेगा कि हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खुद नहीं करी हैं, किसी ने नहीं कराई मेरे को, पर ऐसा था कि मैं आज तक इन चीज़ों पे काम ही नहीं कर रहा था। आइए देखते हैं। देखिए, अब आपने आंसर लिख दिया ना इस तरीके से, अब मैं आपसे पूछूंगा बीच बीच में, अब बताइए मेरे को सबसे पहले कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बताना है आपको, मेन बात यही है कि एट द मोमेंट जो रिएक्ट कर गया वही पेपर निकाल के ले गया। ठीक है, चीजें मैंने निसाई लिखी, देखिए आगे के सेशंस में भी मैं ये करता रहूंगा, मैं एट द मोमेंट रिएक्शन चाहता हूं कि बच्चा देखे सामने, दिमाग क्लिक करे, एकदम आंसर बताए। हाँ, देख लेते हैं। देखिए, 6, 8, 14, 4, 18, 20, 23, 27, 29, 30, 37, 45, 46, 49, 56, वेरी गुड, जिसने भी 56 आंसर बताया, हाँ बहुत बढ़िया, 56 सही आंसर होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 14, 18, 20, 23, 27, 29, 30, 37, 45, 47, 49, 56, 56 बिल्कुल ठीक है। जिसका नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करिए अगली बार ठीक आ जाएगा। देखिए, फाइनली तो CGL में बैठना है या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, और वो जॉब हमें लेके जानी है, यहाँ हम कितनी भी गलतियाँ करें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 5 सिलेक्शन लिए हैं तो 5 लाख बार गलती करी होंगी, कम से कम 5 लाख बार, ठीक है, तब जाके मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, और सीखने के बाद मुझे पता लगा कि भाई इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। अब आप ये बताइए ये क्या होगा,
हाँ जल्दी जल्दी बताइए, देखिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए ये चीज़ें कोई नहीं कराएगा आपको, पर ध्यान रखना है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। आपका दिमाग विकसित होना बहुत ज़रूरी है, जब तक कैलकुलेशन अच्छा नहीं है हर जगह रुकावट ही रुकावट है। कितनी भी ट्रिक सीख लें, कितने भी कॉन्सेप्ट सीख लें। हाँ देखते हैं, देखिए 6 और 1 7 7 14 8 22 5 27 4 31 34 दो 36 37 9 46 2 48 48 आपका आंसर हो जाएगा। यू हैव टू बी अ परफॉर्मर, परफॉर्मर बनना है। 1 और 6 7 7 14 8 22 5 27 4 31 3 33 34 36 37 46 48 आंसर इसका बताइए। ये 9 है। बहुत बढ़िया, हाँ बताते रहिए। बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए एक सांस में जवाब आना चाहिए बिल्कुल, ये हमने सांस तक नहीं रोकनी है और सीधा आंसर निकालना है। हाँ 9 7 16 24 28 34 40 46 53 55 64 67 और 4 71, 71 जितनों का भी आया बिल्कुल सही आया है। बहुत बढ़िया, 71 जितने का भी आया बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट बताइए, देखिए नेक्स्ट इसे बताना है, इसको बताना है नेक्स्ट, फर्स्ट वाला। बहुत बढ़िया, फर्स्ट वाला बताना है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए देखते हैं, 3 2 5 5 10 8 18 7 25 1 26 2 28 3 31 4 35 2 37 37 आपका आंसर आ गया। ठीक है 37 जितनों का भी है बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं भी आपके सामने ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ब्रेन पेन फ्री करना है तो ब्रेन को नंबर एडजस्टमेंट कराना पड़ेगा। अब देखिए अब शुरू होता है खेल आगे। अब मैंने इसे इस तरीके से बता दिया, अब मैं आपसे इस तरीके से नहीं पूछता इसे। जो इंस्पेक्टर 40 आया आपके, उसमें सारे पैटर्न बनाए गए हैं, सारे पैटर्न आपको एक एक करके देखने हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये बताइए कितना होगा, जल्दी से बताना है जल्दी से। जल्दी जल्दी, वेरी गुड, जल्दी जल्दी ये बताना है आपको, ये वाला। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए आज बेसिक सेशन बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं आप। आगे आगे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, पर जब तक ये नहीं जानेंगे आगे का कुछ नहीं जान पाएंगे। 7 5 12 3 15 8 23 5 28। अब मैं आगे देखता हूँ, अब मैं पूछता हूँ ये बताइए क्या होगा, तुरंत आना चाहिए दिमाग में। देखिए एकदम ये जो सर्कल किया हुआ है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बताते रहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 7 11 2 13 और 7 20। अब मैं आगे पूछता हूँ आपसे,
इन सभी नंबर को जोड़ने के बाद क्या आएगा? 2316687 66, इसका बताइए जल्दी से। देखिए मैं तो ऐसा ही बंदा हूँ, मैं एट द मोमेंट मानता हूँ जो भी चीज़ है। अगर एज ए परफॉर्मर आप हैं, एट द मोमेंट रिएक्ट कर गए तो आप जीत गए सब कुछ। और अगर आप यही है कि पेन लेकर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, तो आपको अभी कम से कम 2-4 साल लगेंगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ देखिए, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो ईमानदारी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो होगी, सही कर लेंगे। हाँ देखिए, 2, 3, 5 और 1, 6, 6, 12, 6, 18, 8, 26, 7, 33, 6, 39, 6, 45, 45 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब कहीं किसी किताब में नहीं लिखा भाई कि एसएससी के सिलेबस में कि आपको ये कराना ज़रूरी है, पर भाई मैंने 5 सिलेक्शन लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो तजुर्बा भी होगा, ज़्यादा नहीं तो। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस बंदे का ब्रेन की थिंकिंग या और नंबर की कैलकुलेशन की एबिलिटी अच्छी है, वो बहुत आराम से परफॉर्म कर सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे कैलकुलेट करिए, इस पूरे को नीचे वाले नंबर में हटा देता हूँ। आप ये देखिएगा कि धीरे धीरे करके ब्रेन कैसे फास्ट परफॉर्म करेगा, अपने आप ही परफॉर्मेंस आने लग जाएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करते रहिए, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अभी देखते रहिए, देखिए क्या कमाल होगा, नंबर सारे अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगे दिमाग में। हाँ अब देखते हैं इसे, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 8, 4, 12, 4, 16, 2, 18 और 18, 36 और 5, 41, 41 मेरा आंसर हो गया। कितना टाइम लगेगा? 2-4 सेकंड लगेंगे मुश्किल से। 41 जिन्होंने भी दिया है, बहुत अच्छा दिया है, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आपको बताना है, याद करके थोड़ी बैठेंगे भाई, चीज परफॉर्म करना है, परफॉर्म। इसीलिए मैं बार बार ऐसा कर रहा हूं कि आपके ब्रेन को आदत हो कुछ भी रिएक्ट करने की, किसी भी चीज को देख के तुरंत रिएक्ट करने की। पहले 4 वाले रो के नंबर के टोटल बताइए कितना होगा, नीचे वाला मैं हटा ही रहा हूं। ये बताना है जल्दी से। हाँ भाई मजा आएगा, देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको, चीज वही अच्छी है देखिए, जो आपको खुद ही महसूस हो कि हाँ वाकई में मेरा दिमाग कुछ काम भी कर रहा है, नहीं तो हम लिखते कब तक रहेंगे। बहुत अच्छे, करिए करिए, वेरी गुड। हाँ देखिए काफी कुछ कर पाएंगे हम, बहुत अच्छी बात है, करिए। आप देख लेते हैं, आइए 2, 3, 5, 5, 10, 8, 18, 26, 7, 33, 6, 39 और 41, 6, 46, 6, 48, 8, 54, 58, 2, 67, 67, 2, 69, 67, 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 73 जिसका भी है वो आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 93 आपने सभी ने 93 ये दिया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तो अब देखिए टाइम टाइम की बात है, हम चीज़ें सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। आज के बाद इस टाइप का सेशन रिपीट नहीं होगा, क्योंकि पहला सेशन है, बिल्कुल बेसिक से मैंने लिया है। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा अगर मेरे हिसाब से काम करना चाहता है, उसे काम भी मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। अगर वो इस तरीके से डायरेक्ट करना चाहता है तो उसकी कैलकुलेशन तुरंत दिमाग में हो। अब मैं आगे लिखूंगा, 2 डिजिट के साथ 2 डिजिट का,
इंस्पेक्टर चालीसा आपको डेली बनानी है। नेक्स्ट क्लास में भी, नेक्स्ट सेशन में भी मैं इंस्पेक्टर चालीसा की अलग सी चीज़ लेकर आऊँगा जो आपको डायरेक्ट करनी होगी। अब मैं इसके बेस कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। अभी आपको एक एक करके टोटल करने हैं सारे। अब देखिए एक एक करके हम इन सभी को टोटल करेंगे। अब देखिए आपने टोटल तो कर ही लिया होगा एक हाथ को, पर मैं जिस पे हाथ लाऊंगा आपको पहले वो करना है। देखिए मैं हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ, मैं क्लास में भी यही करता हूँ कि भाई आप, मैं भी इस स्टेज से गुजरा, मुझे पता है स्टूडेंट लाइफ है कि पहले बच्चा पहला कर लेगा, फिर दूसरा कर लेगा, फिर तीसरा कर लेगा, उसी हिसाब से आंसर देगा। पर मैं चाहता हूँ कि एट द मोमेंट मैं पहुँचूँ और एट द मोमेंट बच्चा रिएक्ट करके जवाब बताए। मैं पूछता हूँ आपसे इसका जवाब ये बताना है आपको, आराम से सोचिए और रिप्लाई करिए। टाइम लीजिए अपना, देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम लीजिए, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी से हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन केवल खुद के साथ है। हमें अपने ब्रेन से लड़ना है, जो काम हमारा ब्रेन आज तक नहीं कर पाया हमें उसे इम्प्रूवमेंट कराना है और उसी से हमें जीत प्राप्त करनी है, हमारा किसी से भी कॉम्पिटिशन नहीं है। वेरी गुड, देखिए करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी आएगा तो, बट करना है हमें दिमाग में ही करना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, करते रहिए, परफॉर्मर बनना है मेरे भाई, परफॉर्मर। आइए देख लेते हैं, अब देखिए वही तरीका जो हमने किया, 2, 5, 7, 3, 10, 7, 17, 8, 25, 9, 34, 37, 44, 45, 2, 47, 4, 51, 51 का मतलब हो गया 510, 510 मेरे दिमाग में ऑलरेडी फीड हो गया कि 510 के अंदर जोड़ना है जो भी जोड़ना है। अगर मैं देखता हूँ 3, 4, 7 और 1, 8, 2, 10, 6, 16, 2, 18, 6, 24, 2, 26, 2, 28, 510 के अंदर अगर मैं 28 जोड़ता हूं तो 538 बन जाता है, तो 538 आपका आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने 538 किया है बहुत अच्छी बात है, जिसका गलत भी आया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ट्राई किया अपने लिए। हम अपने लिए तो कोशिश कर ही सकते हैं ना, देखिए आज का जो टाइम हो गया अभी लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, तो मैं भी तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं अपलिफ्ट कर सकूँ कि जो चीज़ आपने आज तक नहीं करी, आपने कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़े पढ़े होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी निकाल दिए होंगे, पर कभी इन चीज़ों पे काम नहीं किया होगा कि अपने लिए कुछ वक्त निकाल कर अपना ब्रेन का प्रोसेसर फास्ट किया जाए।
आइए अगला देखते हैं। अगला आपको ये बताना है, जल्दी बताना है बिल्कुल। जल्दी 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 बताना है भाई, बहुत टाइम लगा रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा मेरे भाई। कोशिश करिए, वेल वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आज की क्लास के बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ, हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर हमने खुद पे भरोसा तो किया ही नहीं है बिल्कुल भी। आप खुद पे भरोसा करिए, काफ़ी चीज़ें आगे सीख लेंगे और काफ़ी चीज़ें जान जाएंगे। 328 आ रहा है, अगर देख लेते हैं। देखिए 2, 3, 5, 4, 9, 4, 13, 2, 15, 9, 24 और 7, 31, 310 तो यही हो गया। 6 और 1, 7, 6, 13, 4, 17 और 1, 18, 310 और 18, 328 सभी का बिल्कुल सही आंसर आया है। 328 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे वाला बताइए, ये तो बहुत जल्दी बता देंगे। देखिए जब आप इसमें टाइम लगा तो ये तो बहुत आराम आराम से हो जाएंगे। जल्दी से पार्थ 175, प्रशांत 175, हेलो सर 175, देव 175, प्रिंस कुमार 185, जे 175। देखिए आगे बहुत सारी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ इसी के अंदर, आपको बहुत मज़ा आएगा। केवल घर बैठे बैठे आपको लगेगा कि भाई हाँ, हमारा ब्रेन का प्रोसेसर भी फास्ट हो गया, हम चीज़ें करनी भी सीख गए, टॉपिक भी बना लिए। रेशियो में आपने देखिए लेक्चर पढ़ाई है, डीएस जरूर पढ़ लीजिएगा, उसका हम यूज़ करेंगे आगे। और इनके डाउट भी लेंगे, डाउट के लिए आपका अरेंजमेंट मैं एक वीडियो बना के दूंगा कि आपको कैसे डाउट भेजने हैं। हाँ देखते हैं, देखिए 1, 3, 4, 4, 8, 7, 15, 2, 17, 170, 1, 2, 3, 5, 175, यानी 175 जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक आ रहा है। वेरी गुड, 175 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला, लास्ट वाला, लास्ट वाला बताइए भाई, ये है कमाल का, इसमें थोड़ी दिमागी कसरत ज़्यादा है। पाँच सौ अट्ठाईस, 528, 538, बहुत अच्छे। इंस्पेक्टर 40 आपको डेली करनी है, देखिए डेली आपको ट्राई करना है, उसमें सॉल्यूशन भी लिखा है किस तरीके से करना है, मैं लाइव सेशन में भी डिस्कस करूँगा। हाँ वीक में 2, 3, 4 या लाइव आपके कोशिश करेंगे हो जाए। देखिए सिखाना है, मेन मोटिव ये है, आपको सिखाना है, चाहे किसी भी मोड से सिखाया जाए, चाहे मैं लाइव आऊँ, चाहे आपको PDF देनी पड़े, चाहे आपको वीडियो देनी पड़े। 528, 528, 528, आइए देख लेते हैं क्या वाकई 528 है। मैक्सिमम बच्चों का जवाब 528 ही आ रहा है। 4, 2, 6 और 1, 7 और 1, 8 और 1, 9 और 2, 11 और 6, 17, 5, 22, 2, 24, 8, 32, 9, 41, 2, 43, 44, 45, 46, 48, 480 तो यही हो गया, 480। पर मैं लिखूंगा नहीं इसे, आपको भी लिखना नहीं है, केवल दिमाग में रखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ,
छः दो आठ और एक नौ और दो ग्यारह, तीन चौदह, चार अट्ठारह, तीन इक्कीस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस, चौंतीस, अड़तीस, पाँच तिरतालीस और पाँच अड़तालीस। तो 48 हो गया 480 के अंदर, यानी 528 हो गया। 528 आपका बिल्कुल सही है, 528 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इसे करिए, इसे बताइए क्या आएगा। अब देखिए इसके, ये आपने कर लिया तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 192। आइए देखते हैं सीधा, दो चार छः छः बारह, तीन पंद्रह और दो सत्रह, 170, 180, 183, 192, सीधा 192। अब आपको जो इंस्पेक्टर चालीसा दी है, मैंने बताया है कि लाइव सेशन के नीचे एक लिंक दिया हुआ है पीडीएफ डाउनलोड का, आपको वहां से इंस्पेक्टर चालीसा डाउनलोड करनी है और डेली बेसिस पे वो एक्सरसाइज लगानी है आधे घंटे के हिसाब से। 15 दिन आप लगा के देखिए और 16वें दिन मेरे से बात करिए और ये बताइए कि सर ने कुछ बनाया तो सोच समझ के बनाया है, नहीं बनाया। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक इस तरीके से सर्कल भी मिलेगा उसके अंदर। इस तरीके से, ठीक है, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन उसके अंदर लिखा है इंस्पेक्टर चालीसा के अंदर, आपको नंबर ऐड करने हैं। आप ये ऐड करिए, इसे इसे 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 इसे, ठीक है, इस तरीके से ऐड करना है। जैसे कि मैं इसे ऐड करता हूँ तो देखिए तीन और एक चार और छः, 46 हो गया। इसे ऐड करते हैं तो आप 90 आ गया, इसे ऐड करते हैं तो 123 आ गया, इसी तरीके से इसे ऐड करते हैं 153 आ गया, इसे ऐड करते हैं 178 आ गया, इसे ऐड करते हैं 126 आ गया, इसे ऐड करते हैं 86 आ गया। अब देखिए सारी चीज़ें मैं एकदम बता रहा हूँ, वो इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो बेस लेवल पे काम किया हुआ है, तो आपको भी अभी बेस लेवल पे ही काम कराया जा रहा है। एक आध लाइव सेशन और जाएंगे इस पर, इसके बाद हम एक एक करके चैप्टर वाइज पे आएंगे। अब आ जाते हैं देखिए आपको बताने के लिए कि भाई आपने आज का सेशन तो देख लिया, आज के सेशन के अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जो ऐसा काम था जो हम पिछले एक साल में, आप ये देखिएगा आपने एक बार भी ऐसा हुआ कि आपने खुद को समय दिया हो, खुद पे भरोसा करके कि भाई फाइनली पेपर में जब मैं जाऊंगा ना तो ना तो सर मेरे साथ जाने वाले, ना मेरा कोई दोस्त मेरे साथ जाने वाला, मेरे साथ मेरा तजुर्बा जाएगा और मेरा दिमाग जाएगा। दिमाग पर तो मैंने भरोसा ही नहीं किया क्योंकि मैं फॉलोअर हूँ, मैंने तो चीज़ें याद करी हुई हैं, मैंने चीज़ें ट्रिक पढ़ी हुई हैं, मैंने देखा ऑप्शन से कैसे होगा, मैंने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, पर कैलकुलेशन वाले पार्ट का क्या भाई, कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए मैंने कुछ नहीं किया हुआ। तो आज तो देखिए केवल प्लस पे हमने काम किया और प्लस भी केवल 2 डिजिट तक। नेक्स्ट जो सेशन आएगा मल्टीप्लाई भी आएगा, उसके अंदर 3 डिजिट एडिशन भी आएगी और केवल बैठे बैठे ही करना है, एट द मोमेंट करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे से। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी देखिए मैं ही बताऊंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हैं, बिल्कुल देखिए जिम्मेदारी ली है तो पूरी ही निभाएंगे और सब चीज़ बताएंगे आपको। फिलहाल आप ये तो करिए कि आपको ये जो बताई गई है इन चीज़ों पे काम करिए और नोट्स आपको साथ के साथ बनाने हैं, नोट जरूर बनाते रहिए। हाँ, वो भी बताएंगे, देखिए डीएस में 2 ऑप्शन इक्वल होगा तो आपको क्या करना है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है भाई। हाँ, सब्ट्रैक्शन का भी देखिए थोड़ा बहुत तो देखेंगे, सब्ट्रैक्शन का यूज़ वैसे ज़्यादा नहीं करते आप। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स का जरूर बताएंगे, देखिए नहीं जनवरी में नहीं है मेरे भाई, जनवरी में किसने कह दिया आपसे, जनवरी में बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए ये बैच जो है आपका मेंस के हिसाब से है, मैंने आपसे बोला है कि आपकी जिंदगी की आखिरी कोचिंग होगी और ये आपकी आखिरी कोचिंग साबित होकर रहेगी। देखिएगा कि मैं इसमें आपके साथ कितनी कोशिशें करता हूँ और कितनी कोशिश से मेरे आपको फायदा होता है कि भाई जैसे मैंने आज ये बिल्कुल बेसिक चीज ली, ये बेसिक चीज कोई भी नहीं लेगा। चैप्टर पढ़ाना देखिए बहुत आसान है, चैप्टर मैं भी पढ़ा सकता हूँ आराम से, चैप्टर पढ़ाने में कुछ भी नहीं है, पर मेन बात यह है कि आप ये काम कैसे करेंगे, बच्चा ब्रेन से नहीं परफॉर्म कर पा रहा। हाँ देखिए, हाँ देखिए एक दिन में एक वीडियो आपके लिए आएगी डेली आपको।
हाँ हैंड रिटन देखिए प्रोवाइड करूंगा जो भी मेरे पास होगा। देखिए मैं केवल उतनी ही चीज़ दे सकता हूँ जितनी आपके लिए यूज़फुल हो, जो मार्केट में आपको इजीली ना मिले। बुक्स वगैरह के लिए नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल के अंदर कि इंग्लिश भी आपको कैसे पढ़नी है, रीजनिंग भी कैसे पढ़नी है और बुक भी आपको कौन सी लेनी है। आपका कोई क्वेश्चन पूछना है उसके लिए अभी एक वीडियो बनाई जाएगी, वीडियो आपके इस पर डाली जाएगी। लगातार वेबसाइट को देखते रहिए जिससे कि कोई भी अपडेट अगर आता है तो उस अपडेट को आप जान सकें, ठीक है। हाँ देखिए कुछ पूछना है तो आप उसके लिए आपका वो डैशबोर्ड दिया जाएगा, डैशबोर्ड पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ के साथ देखिए मेरी पर्सनल आईडी में आप ऐड हो सकते हैं, मेरी पर्सनल आईडी में काफ़ी सारे आप फ्रेंड्स भी हैं मेरे साथ, ठीक है। आप मेरे को पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोगों का एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाएगा उस पर भी आप उसे डाल सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे इन सब चीज़ों के लिए। देखिए थोड़ा सा समय अभी दीजिए, एक हफ्ते का समय लगेगा, सब चीज़ सेटल्ड हो जाएगी। हाँ देखिए वीडियो जो आपने आज लाइव जो क्लास हुई है, लाइव क्लास के नीचे पीडीएफ का लिंक है, पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। 17 का भाई अभी कुछ नहीं कह सकते, 18 की तैयारी है और 18 में तो इंस्पेक्टर बन गई, हालत में इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं छोड़नी है क्योंकि मौका बहुत मिल चुका, बहुत समय है अभी भी। जो बच्चा अभी भी चाहता है 4-5 महीने उसके पास हैं, 4-5 महीने में वो काफ़ी कुछ कर सकता है। हाँ प्री क्वालिफाई के लिए देखिए पूरा मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, थोड़ा इंतजार करिए। आज के लिए इतना ही होगा, आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए, ठीक है। और नोट्स आप बनाते रहिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सारी वैरायटी में टच कराऊंगा क्लास के अंदर, मेंस कैट सभी लेवल की। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, परफॉर्मेंस पे भी साथ के साथ देखिए मैं ध्यान दे रहा हूँ, केवल कंटेंट पे नहीं। अगर मेरे को कंटेंट पे देना होता कुछ क्वेश्चन वोश्चन करा देता आ जाके, पर मैंने ये चीज़ कराई है जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपका ब्रेन एक्टिव होगा, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा तो देखिए दोबारा से करके देखिएगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, गुड बाय, जय हिंद।